अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हम आज आपको आस्तीन में जॉइंट लगाने का तरीका बताएंगे। बहुत ही कम कपड़े में किस तरह से आस्तीन बनाया जाता है, ये देखिए। आस्तीन का कपड़ा बहुत ही कम निकला था यहाँ पे, तो आप जब सूट्स खरीदते समय आप बहुत ही ध्यान से खरीदेगा, क्योंकि बहुत ही कम आ रहा है कपड़ा, तो आस्तीन बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने जितना कपड़ा बचा था फोर फोल्ड किया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको कट करके निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए, जितना सीधा निकल रहा है उतना निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा है हम इसको कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से सीधे से कट करके निकाल देंगे। हम यहाँ पे निकाल दिया है हमने कट करके। अब हम देखिए, इसको आस्तीन की हम लंबाई लेंगे। आस्तीन की लंबाई यहाँ पे हमारी है 17 इंचेस, तो 17 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरह से लाइन ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पर इतना ही कपड़ा हमारा निकला था, आप देख सकते हैं। तो ये फोर फोल्ड में आप देख सकते हैं, 4 लेयर में हमारा ये कपड़ा है। तो इस तरह से बहुत ही कम कपड़े में किस तरह से आस्तीन बनाएंगे, देखिए। नीचे की ओर हम कली लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। अब जो हम जो शलवार का कपड़ा बचा था, ये सेम मैचिंग का कपड़ा है, देख सकते हैं। थोड़ा तो डिफरेंट रहेगा ही फ्रेंड्स, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर दुकान भी खुली नहीं रहती है, तो सेम कपड़ा मिलने का बहुत ही कम चांस रहता है। आप चाहे तो देखिए, 4 4 लेयर में हमने यहाँ पर बिछाया है। आप चाहे तो इसको नेट वाला आस्तीन भी बना सकते हैं, नेट अगर आपके पास दुकान ओपन है तो आप इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो कहीं भी दुकान ओपन नहीं है, तो इस तरह से प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे हमारा बगल का हिस्सा है 11 इंचेस, जो राउंड बगल हमने नापा था इसका 11 इंच आया था, तो 11 इंच पे हम इस तरह से क्रॉस को ट्रेप में टेप को इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे बगल का। तो यहाँ पे बगल का हमने शेप लगा लिया है, देख सकते हैं। अब हम कलाई का निशान लगाएंगे, जितनी अपनी कलाई है उतना ही निशान लगाएंगे। हमारा है यहाँ पे 5.5, तो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, आप अपने कलाई के हिसाब से ले सकते हो। तो यहाँ पर हम अपना निशान लगा लेंगे जितना है। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद इस निशान से इस निशान को मिलाना है। देखिए, यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है, और यहाँ से इसको यहाँ तक इसकी यहाँ पे निशान को मिला देंगे। देखिए, मिला लिया है हमने इसको, अब कट कर देंगे। तो अच्छे से इसको कट करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे हमने 1/2 इंच ऊपर की ओर रखा है कपड़े को, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारी ये कटिंग हो चुकी है, आप देख सकती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा जॉइंट हो चुका है कटिंग। तो ये देखिए, 1/2 इंच ऊपर की ओर हमने रख के कट किया है, आपको भी इसी तरह से कट करना है। और भी कई तरीके हैं जॉइंट लगाने की, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे। तो यहाँ पे देखिए, अस्तर भी कट करना है हमको, इसमें अस्तर लगाना है आस्तीन में। तो ये जो साइड से बचा हुआ है कुर्ती का जो अस्तर बचा था, उसी से हम जो थोड़ा कपड़ा बचा है उसी से हम अस्तर निकालेंगे आस्तीन के लिए। तो जो कपड़ा हमारा आस्तीन का है इस तरह से रखेंगे, और जो जॉइंट वाला कपड़ा है उसको भी इस तरह से सेट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने सेट किया है, थोड़ा कलर डिफरेंट दिख रहा है आपको। देखिए, शलवार का कपड़ा और आस्तीन का कपड़ा डिफरेंट दिख रहा है थोड़ा, लेकिन थोड़ा मैच हो रहा है, इसलिए तो हम लगा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमारा जॉइंट वाला इतना हिस्सा निकल रहा है। देखो, इतना ही आपको कट करना है जितना आपका निकल रहा है। यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने जॉइंट वाला निकाल, यहाँ पे इस तरह से रख के निकाल दिया है आस्तीन को कट करके। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम इसको सेट करके बताएँगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये हमारा अस्तर कट के रेडी है, ये देख सकते हो फ्रेंड्स। इस तरह से ये हमारा आस्तीन और अस्तर कट के रेडी है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने आस्तीन को जॉइंट लगा लिया है, और देखिए ऊपर से भी सिलाई लगा ली है। दोनों आस्तीन को भी दो तरफ कली लगा लिए हैं इस तरह से। देखिए, अब आस्तीन बनने के बाद, जॉइंट होने के बाद कुछ इस तरह से इसकी दिख रहा है लुक। तो यहाँ पे आप भी इस तरह से बना सकते हैं। आप चाहे तो आपके पास नेट वाला फेब्रिक है तो आप लगा सकते हैं, या चाहे तो आपके पास कोई भी मैचिंग कपड़ा है तो आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमारा ये बन के रेडी हो गया है ऊपर अच्छे से हमारा आस्तीन। तो आप इसी तरह से आस्तीन में जॉइंट लगाकर बना सकते हैं। और भी कई तरीके हैं जॉइंट लगाने के, मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने इसको अस्तर से भी अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।